तो यार आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं इसी सिंपल सी डीसी मोटर को एक ड्रोन मोटर बनाना सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये 100% वर्किंग और रियल है, मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि 80% लगभग लोगों के पास यही सिंपल डीसी मोटर होती है और वो ड्रोन बनाना चाहते हैं, फिर उनसे ड्रोन बनता ही नहीं क्योंकि मोटर बनी नहीं ड्रोन बनाने के लिए। पर मैं इस वीडियो में इसी मोटर को ड्रोन मोटर जितनी स्पीड, हाईएस्ट स्पीड वाली मोटर बनाना सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मोटर को किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है। तो फ्रेंड्स मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करती है। इसमें एक मैग्नेट और एक कॉइल होती है जिसके कॉम्बिनेशन से हमारी मोटर वर्क करती है। तो फ्रेंड्स अगर हम किसी भी तरीके से इसका मैग्नेटिज्म बढ़ा दें, मतलब इसकी मैग्नेटिक पावर बढ़ा दें, तो फ्रेंड्स इसकी स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक पावर जितनी बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा इसकी स्पीड इंक्रीज़ होगी। तो फ्रेंड्स पहले तो मैं इसे चेक करके दिखा दे रहा हूँ कि ये कितनी स्पीड है इसकी। तो फ्रेंड्स मैं एक बैटरी ले ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये 2.4 वोल्ट की बैटरी है। तो पहले मैं इसे आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ कि इस मोटर की स्पीड कितनी है। तो फ्रेंड्स इस मोटर की स्पीड अभी तो बहुत स्लो है, आप इसकी आवाज़ सुनिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ किस कितनी कम स्पीड है इस मोटर की। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा कि इस मोटर की स्पीड कितनी स्लो है, मतलब ये ड्रोन बनाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है, क्योंकि ये कोई प्रेशर बना ही नहीं पा रही और इसकी स्पीड भी बहुत स्लो है। तो फ्रेंड्स इसकी स्पीड बढ़ाने के दो तरीके हैं। तो फ्रेंड्स पहला तरीका तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा और दूसरा तरीका अगली वीडियो में बताऊंगा, जो कि वो तो 100% वर्किंग करेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मोटर मैं दूसरी मोटर है, ये थोड़ी ख़राब मोटर है, तो मैं इसको खोल के दिखा रहा हूँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसे मैं खोल दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए कॉइल है और एक मैग्नेट है। तो फ्रेंड्स कंपनी द्वारा इसमें बहुत ही पतली वायर की वाइंडिंग की गई होती है इसीलिए, और इसमें बहुत कम मतलब अभी भी स्पेस है, अब इस पर वाइंडिंग और भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कंपनी द्वारा बहुत ही पतली वायर लगाई गई होती है, तो ये वोल्टेज ज़्यादा लेती है और स्पीड कम देती है। तो फ्रेंड्स इसे तो मैं अगली वीडियो में वाइंडिंग करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स पहली वीडियो में तो मैं इसकी मैग्नेटिज्म बढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये मैग्नेट है, तो इनको मैं निकाल ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इन दोनों मैग्नेट को मैं निकाल ले रहा हूँ। तो अब अगर आपके पास ये दूसरी मोटर नहीं है, अगर आप कोई और भी मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं, आपको सिर्फ मैग्नेटिज्म बढ़ाना होगा, तो मैग्नेट की कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने दो मैग्नेट इस मोटर में से निकाल लिए हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इन दोनों मैग्नेट इस तरीके से इस मोटर के साइड में लगा देंगे, तो फ्रेंड्स इससे इसका मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो थोड़ी हल्की मैग्नेट्स है, मेरे पास और तगड़ी मैग्नेट है। तो फ्रेंड्स ये है नियोडिमियम मैग्नेट। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट होती है। तो फ्रेंड्स वो तो बहुत नॉर्मल मैग्नेट है इसके सामने। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये ना मिले तो आप उससे भी काम चला फ्रेंड्स अगर आपको ये ना मिले तो आप उससे भी काम चला सकते हैं, वो भी अच्छी मैग्नेट है। तो फ्रेंड्स पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, देखिए मैं चिपकाऊँगा तो ये कितनी तगड़े तरीके से चिपक जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूसरे भी लगा सकते हैं। तो फिर भी मतलब मैं स्पीड बढ़ाने के लिए इन मैग्नेट का यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मैं इसकी पावर दिखा दूँ, ये देखिए कितनी आराम से मतलब इधर उधर घूम जा रहा है, पर ये तब पूरा दम लगाने पे भी घूम नहीं रहा, बहुत ही पावरफुल मैग्नेट होती है ये। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये कितनी आराम से घूम रहा है। और फ्रेंड्स ये दूसरी न्यूटनी मैग्नेट ये तो हिलने का नाम ही नहीं लेती, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, इसीलिए इस मोटर का मैग्नेटिज्म कुछ ही बढ़ जाएगा। तो जितना मैग्नेटिज्म बढ़ेगा उतनी ही स्पीड इंक्रीज़ होगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने अब चारों मैग्नेट्स में लगा दिए। अब हमें तो फ्रेंड्स अगर ये मतलब ये बाहर हैं तो ये ऐसे गिर जाएंगी, तो उसके लिए मैं एक टेप का यूज़ कर ले रहा हूँ, तो जो कि मैं इसके ऊपर से लपेटूँगा। आप फेविक्विक का यूज़ भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो फ्रेंड्स मैं तो टेप मेरे पास पड़ी तो मैं टेप लगा ले रहा हूँ इसके ऊपर से। तो फ्रेंड्स मैं कटर की हेल्प से इस टेप को कट कर लूँगा। तो फ्रेंड्स अब मैं इस टेप को इसके ऊपर लपेटूँगा। तो फ्रेंड्स ये तो इसका पहला तरीका है स्पीड इंक्रीज़ करने का। अगर आपको दूसरा तरीका भी देखना है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि मेरी वीडियो आगे आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स वो तरीका तो एकदम 100% है, ये थोड़ी सी कम स्पीड उससे बनाएगा, पर वो जो तरीका है सेकंड वाला तरीका वो बहुत ही ज़्यादा काबिल है, मतलब वो फिर बन ही जाएगी आपकी ड्रोन मोटर एक हिसाब की। तो फ्रेंड्स ये थोड़ी स्पीड बढ़ा देगा, पर फ्रेंड्स ये फर्स्ट वाला तरीका भी मतलब बेकार नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा स्पीड इंक्रीज़ कर देगा, क्योंकि मैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसे दबा दे रहा हूँ कि मतलब गिरे ना मैग्नेट। तो फ्रेंड्स अब मैं इसे चेक करके दिखाऊंगा, तो इसकी आवाज़ सुनना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मतलब स्पीड बढ़ी है कि नहीं। तो फ्रेंड्स मैं वही बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी चार्ज ज़्यादा नहीं किया, उतनी ही चार्ज रही है बैटरी, वही बैटरी है।